भद्रं कर्णेभिः शूरयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर् व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः ॐ शान्तिः 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 नमः शिवाय। मिल गया पुस्तक। मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक के चौथा मंत्र चलेगा, तीसरा मंत्र हो गया, ठीक है। यहाँ पर विधि को बतलाइए पहले, है ना। अंगिरा आचार्य के पास सोना का जो महाशाला है, विधिवत होकर के नम्रता पूर्वक गए। किस लिए गए? आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए गए। नहीं, आगे उपदेश करते हैं। देख लिए कि अधिकारी है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, चित्त शुद्ध है, संसार से विरक्त है। कौन? महाशाला होने पर भी विरक्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या सिर क्यों ला रहे हो? गृहस्थ होने पर विरक्त नहीं हो सकता है? वही तो कह रहा हूँ, मना कर रहे थे। गृहस्थ होने पर भी चित्त शुद्ध हो गया, निष्काम कर्म किया है, तो वैराग्य हो जाएगा। भले घर में रहता हो, वैराग्य तो हो सकता है कि नहीं? ठीक है। इसलिए अंगिरस आचार्य समझ गए, ये तो अधिकारी है, ये तो क्या करना है, इधर रख दो। ये तो कैसा है भगवान? अधिकारी है, नहीं? तस्मै सहोवाच, बोलो। तस्मै सहोवाच द्वे विद्ये वैतव्ये इतिह समायत ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवा परा च। आपको नहीं मिला मंत्र? कौन सी पुस्तक है? नहीं मिले तो मरी को दे दीजिए, मैं निकाल देता हूँ, हो जाएगा। चलो मिल गया। चलो तस्मै सहोवाच। सह कौन? आचार्य है ना, जो अंगिरस जो आचार्य है, उनसे उपदेश कहे।
तस्मै कहने से कौन? शौनक, शौनक आया उपदेश किए। उपदेश कैसे कर रहे हैं? देखो, द्वे विद्ये वैतव्य, दो विद्या ही जाननी है, संसार में दो ही विद्या है, तीसरी कोई विद्या नहीं है। समझ में? वो तो विद्या के लिए गया था ना, वो किस लिए गए थे? वो विद्या के लिए गए थे वो, ठीक है। ज्ञान कराना है ब्रह्म का, ब्रह्म का जो ज्ञान है उसको कहते हैं पराविद्या, है कि नहीं? और किसी के मन में आ जाए कि और कोई विद्या होती है, हाँ होती है, अपराविद्या। अपराविद्या संसार प्राप्ति का हेतु है, मोक्ष प्राप्ति का हेतु अपराविद्या नहीं है, इसलिए दोनों विद्या को जानना जरूरी है, एक को ग्रहण करने के लिए, एक को छोड़ने के लिए। पुण्य को ग्रहण करना है तो पाप को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि पाप को छोड़ना है कि नहीं, बात समझ कि नहीं? इसलिए यहाँ पर दो विद्या को प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। जो अपरा विद्या है, हाँ वो भी साधन है, साध्य नहीं है वो, है ना? परा विद्या जो ब्रह्म ज्ञान है, अज्ञान को निवृत्त करने वाला ब्रह्म ज्ञान है, उसको प्राप्त करने का साधन क्या है? अपरा विद्या। अपरा विद्या करने पर कर्म करोगे, कर्म कैसे करना है ये तो अपरा विद्या है, उपासना ये भी अपरा विद्या है। कर्म उपासना के द्वारा आप ज्ञान के अधिकारी हो जाओगे ना, है कि नहीं? इसलिए वो साधन है, वो कर्म उपासना जो अपरा विद्या वो साधन है, उसी क्या होगा परा विद्या प्राप्त हो जाएगी, बात समझ में कि नहीं? इसलिए ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले कर्म उपासना करोगे, कर्म उपासना करने के बाद चित्त शुद्ध हो जाएगा तो उसको त्याग करना है। क्या करना है? अरे आपको उस पार जाना है, नदी के उस पार जाना है, कैसे बैठ कर जाओगे? नौका में बैठ कर जाओगे, नौका में बैठ कर जाओगे ना, उस पार जाने के बाद नौका को छोड़ना पड़ेगा कि वहीं बैठे रहोगे? छोड़ना पड़ेगा नहीं, नौका, हाँ नहीं, नौका बहुत सुंदर है तो, नौका यदि बहुत सुंदर है तो छोड़ना है कि बैठे रहना है? बोलो, सुंदर है तब भी छोड़ना पड़ेगा? छोड़ना ही पड़ेगा, कर्म कितना भी सुंदर हो अंततोगत्व तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन नौका चलाने वाला बड़ा सुंदर हो तो, बाल फल रखा हो बढ़िया है तो नहीं छोड़ना है कि पकड़ना है? चाहे नौका सुंदर हो चाहे नौका चलाने वाला सुंदर हो, दोनों को छोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्या कह रहे हैं? इसलिए कर्म उपासना का भी छोड़ना पड़ेगा, कर्म उपासना का उपदेश करने वाले उनको भी छोड़ना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? परब्रह्म की विद्या को प्राप्त करना पड़ेगा ना, ठीक है। देखो लिखते हैं आगे, द्वे वित्तीय वेतव्य इति ह, ह और स्म कह दिया, वो निश्चय करने के लिए। मतलब दो ही विद्या है, तीसरी कोई विद्या नहीं है। यद ब्रह्म विदो बदंती पराच, ये पराच, ये देखो, ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग बोलते हैं। कौन कहते हैं? ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं, ठीक है ना। दो ही विद्या हो गई, एक पराविद्या और एक अपराविद्या। समझ में? आगे चीज़ कहेंगे, अपराविद्या ही समझ लो, अपराविद्या को प्राप्त करने मात्र से कोई फल नहीं मिलेगा। अपराविद्या को प्राप्त करने मात्र से कोई फल नहीं मिलेगा ना। ये स्वर्ग प्राप्ति का साधन जाग है, लेकिन आपको जाग करोगे नहीं तो क्या फल मिलेगा? मिलेगा कुछ? अपरा विद्या को जानने मात्र से फल नहीं मिलेगा, जानने के बाद क्या करना पड़ेगा? हाँ, कर्म करना पड़ेगा, वो टाइम आने पर फिर फल मिलेगा। कर्म का जब, कर्म जब पकेगा ना तब फल आपको मिलेगा, पुण्य मिलेगा, उससे पहले पुण्य तो मिलने वाला है ही नहीं। समझ में आया? इसलिए अनुभूति प्रकाश में कहा गया, ना अनुष्ठानम बिना वेद वजनम पर्यवसति, है ना। ज्ञान होने मात्र से अपरा विद्या का
आपको फल मिलने वाला नहीं, अनुष्ठान करना पड़ेगा, नहीं तो ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। जाग करने का ज्ञान है आपको, लेकिन अनुष्ठान करते नहीं हो, हाँ, तो कर्मकांड को जानने का क्या फल हुआ फिर? जानने से क्या फल हुआ? कोई फल है थोड़ी, कर्म करना पड़ेगा ना। औषधि से रोग जाता है, जान लिया तुमने, लेकिन औषधि खाई नहीं तो रोग जाएगा, तो जानने का क्या फल हुआ फिर? जानने से कुछ करना पड़ेगा आपको, ये अपरा विद्या है ना, बात समझ? अथवा अपरा विद्या ऐसे समझ लो, समझने के लिए, जैसे मान लो आप जान लिया कि मैं एक मनुष्य हूँ, लेकिन मनुष्य हूँ जानने से क्या होगा? मनुष्य के अनुकूल कर्म करो, जानने से क्या फल मिलेगा? आपको बता दिया गुरु कि तुम मनुष्य हो, जान लिया मैं मनुष्य हूँ, लेकिन मनुष्य अनुकूल कर्म नहीं करते, पशु कर्म करते हो, तो मैं मनुष्य हूँ जानने का क्या फल हुआ? तो अनुसार आपको कर्म करना पड़ेगा, तब तो मनुष्य जानने का कुछ फल मिला। केवल ज्ञान मात्र से फल तो होगा नहीं, अपरा विद्या है, समझ में कि नहीं? अथवा ऐसा समझ लो कि मैं करता हूँ, ये कर्म का करता हूँ, ठीक है, तो कोई फल मिलेगा? मैं करता हूँ ऐसा आपको ज्ञान हुआ, कर्म का करता हूँ ज्ञान हुआ, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? पुण्य कर्म करना पड़ेगा और पाप कर्म को छोड़ना, जो कर्तव्य है वो करो, और जो कर्तव्य नहीं है वो छोड़ो, त्याग करो, ये अपरा विद्या में होगा। हैं, वो तो चित्त शुद्ध होने का पर छोड़ना पड़ेगा ना, अभी तो चित्त को शुद्ध करने में लगाया हो। अपरा विद्या क्या चीज़ है बता रहा हूँ, समझ गए नहीं? तो अपरा विद्या में पहले ज्ञान होगा, ज्ञान के बाद क्या होगी? इच्छा होगी, इच्छा के बाद फिर कर्म करना पड़ेगा, ये अपरा विद्या में होगा। अपरा विद्या में पहले ज्ञान हुआ, कर्म का ज्ञान हुआ, कर्म का ज्ञान होने के बाद फिर इच्छा होगी। जैसे मान लो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जाग साधन है, आपको ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद मैं कुछ कर लूँ, इच्छा होगी ना, ज्ञान के बाद इच्छा होगी, इच्छा के बाद फिर कर्म करोगे, ये अपरा विद्या में है। ज्ञान साधन का ज्ञान हुआ अपरा विद्या से, फिर इच्छा होगी, इच्छा के बाद फिर क्या होगी? कर्म होगा, प्रवृत्ति होगी, ये अपरा विद्या में है। बस हमें कि नहीं, ठीक है ना? लेकिन परा विद्या में ऐसा नहीं होता है, परा विद्या इससे उल्टा है। परा विद्या में आप जान लिए कि ब्रह्म मैं तो अकर्ता हूँ, अपरा विद्या में क्या था? मैं करता हूँ, ये कर्म का मैं करता हूँ, इसलिए मेरे लिए कर्तव्य है, ये अपरा विद्या में होगा कि नहीं होगा? मैं मनुष्य हूँ, है कि नहीं? कर्म का मैं करता हूँ, उपासना का मैं करता हूँ, इसलिए मेरे लिए कर्तव्य है, कुछ समय कि नहीं आया कि नहीं आया कि नहीं? तो अपरा विद्या में कर्ता कर्तव्य का ज्ञान रहेगा, ठीक है। लेकिन ब्रह्म विद्या जो परा विद्या में ऐसा नहीं होता है, ये उल्टा ज्ञान कराएगा। उल्टा ज्ञान कैसे है कि तुम तो अकर्ता हो, तुम तो असंग हो इससे शरीर से, तो मैं क्या लेना देना तुम्हें, तुम तो असंग हो, तो मैं अकर्ता हूँ ऐसा यदि ज्ञान हो जाए तो आपके लिए क्या कर्तव्य रहेगा? कर्तव्य किसके लिए रहता है? जो अपने को कर्ता भोक्ता मानता है उन्हीं के लिए कर्तव्य है, समझ में आए कि नहीं? लेकिन जिसको ज्ञान है कि मैं तो अकर्ता हूँ अभोक्ता हूँ, मैं तो पूर्ण आनंद हूँ, तो उनके लिए क्या कर्तव्य रहेगा? कर्तापना के बिना कर्तव्यपना नहीं रहेगी, कर्तापना हो तो कर्तव्यपना रहेगी, और कर्तापना समाप्त हो गए तो कोई कर्तव्य नहीं उनके लिए। लेकिन अकर्तृत्वपना को प्राप्त करने के लिए पहले आपको कर्तापना होनी चाहिए आपके अंदर,
मैं जाग का करता हूँ, मैं उपासना का करता हूँ, मेरे लिए कर्तव्य है, ये कर्तव्य नहीं है। इसलिए पराविद्या को प्राप्त करने के लिए क्या होनी चाहिए, पहले अपरा विद्या होनी चाहिए। इसलिए दो विद्या को कह रहे हैं, ठीक है। चलो प्रसंग समझ में आया। चलिए इसलिए कहते हैं पराच पराच इति। भाष्य देखो महादेव, तस्मै शुनकाय अंगिराह किल उवाच। मिल गया जी। चार नंबर भाष्य चल रहा, भाष्य मंत्र में तस्मै आया। तस्मै का अर्थ कौन है, शुनकाय, उस शुनक, शुनक शुनक कैसा था, महाशाल, बहुत बड़ी बड़ी शाला थी उसके पास, गौशाला, पाठशाला, पाकशाला। ये कौन होगा, ये सन्यासी वही ग्रस्त होगा, महाग्रस्त होगा। इन भाष्य का लिख दे महाग्रस्त हो, महाग्रस्त होने पर भी चित्त शुद्ध हो सकता उसका, ठीक है। अंगिरा ह किल उवाच, अंगिरा आचार्य ने कहा किमिति उच्यते, बोलो। अभी आपने अनुभूति प्रकाश का नाम लिया था, बंद कर दीजिए इसको। हाँ भाई, पढ़ने के लिए सामान है ना लोगों के पास। अच्छा, हाँ पढ़ने के लिए समय नहीं है। स्वामी चला रहे हैं। हाँ चलाते होंगे। तो चलो, तो कहते हैं किमिति उच्यते द्वे विद्ये वैतव्ये इति। दो प्रकार के विद्या जाननी चाहिए, ऐसा कहा द्वे विद्ये वैतव्ये इति। समझ में आया। अच्छा भाई, एवं हस्म किल यद ब्रह्म विदो। ब्रह्मवेत्ता लोग, ब्रह्मवेत्ता मतलब क्या है यहाँ पर, वेदार्थ अयोग्या। हाँ, ब्रह्म का अर्थ वेद यहाँ पर है कि नहीं, वेद का तात्पर्य किस में है ऐसा जानने वाले, ये हो गए ब्रह्मविदो। ब्रह्म का अर्थ वेद भी होता है, इसलिए वेद में क्या तात्पर्य है उसको जानने वाले कहते हैं कि ब्रह्मविद। वेदार्थ अभिज्ञा मतलब परमार्थ दर्शिनो, केवल वेद को पढ़ा हो ऐसी बात नहीं, परमार्थ क्या है, सत्य परब्रह्म, परब्रह्म के साक्षात्कार करने वाले वो ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं, केते हैं, क्या कहते हैं, बोले दो प्रकार विद्या कहते हैं, पराच अपराच। परा क्या है यहाँ पर देखो, बोलते परमात्मा विद्या, परमात्मा का जो ज्ञान है उसको क्या बोलते हैं, पराविद्या बोलते हो। सबको पालन पोषण करेगी ना, वही पराविद्या है, अभी बताएंगे। समझ में, ये पराविद्या है, सबको जो पालन पोषण करे वो पराविद्या है। इसलिए पिपर्ति पालयति इति परा, प्री पालन पूर्ण यो हो। पहले सुने हो ना, आत्मज्ञान यदि ना हो तो कोई विद्या सिद्ध नहीं होगी, सिद्ध होगी। जैसे घट ज्ञान के लिए आपका चक्षु क्या है, प्रमाण है, बराबर है कि नहीं, ये चक्षु प्रमाण है, ये कैसे पता लगेगा, आप हो तो नहीं, नहीं आप हो तो ना, मैं ना हो तो ये चक्षु प्रमाण है कैसे कहोगे। चक्षु प्रमाण है किसको देखने के लिए, घट पटादि को देखने के लिए, घट पटादि ज्ञान के लिए चक्षु प्रमाण है, ये कैसे सिद्ध होगा, आप हो तो, ये है ना, मैं स्वयं का ज्ञान हो रहा है इसलिए चक्षु को प्रमाण कहोगे। जितने भी संसार में ज्ञान है ये सब आत्मज्ञान से सिद्ध है, आत्मज्ञान के बिना कोई सिद्ध नहीं होगा। समझ में कि नहीं है, जैसे सूर्य प्रकाश के बिना संसार सिद्ध होगा, सब अंधेरा हो जाएगा, क्या पता लगेगा अंधेरे में क्या क्या है, क्या पता लगेगा क्यों भाई। इसी बगैर आत्मचेतन ना हो तो संसार में कोई भी ज्ञान नहीं होगा। इसलिए सभी ज्ञान का भरण पोषण करने वाली कौन है, पराविद्या, आत्मज्ञान, ठीक है। इसलिए ये जो
आत्मज्ञान इसको क्या बोलते हो, पराविद्या बोलते हैं, ठीक है। अपराच कौन है, ब्रह्म विद्या को छोड़कर के जितने भी संसार में विद्या है सब अपरा विद्या है। ये संसार का ज्ञान है ना, संसार का ज्ञान हो गया अपरा विद्या है, अब ब्रह्म का जो ज्ञान हो गया परा विद्या, इतना साया है, ठीक। देखो धर्मा धर्म साधना तत्फल विषया भाष्य में कहा, धर्मा धर्मों का ज्ञान यही परा विद्या है, धर्मा धर्मों का ज्ञान अपरा विद्या, परा विद्या नहीं अपरा विद्या। और धर्माधर्मों का साधन माना, शास्त्रीय कर्म करेंगे तो धर्म, शास्त्रीय कर्म हो गया साधन, और अशास्त्रीय कर्म हो गया साधन, किसका साधन, अधर्म का, अधर्म का साधन हुआ कि नहीं हुआ, ये धर्म अधर्म और धर्माधर्म का साधन। और तत्फल, धर्म का फल क्या है, पुण्य, अधर्म का फल है, धर्म का फल है सुख, धर्म का फल है सुख और अधर्म का फल दुख, ये है, समझ में आया, ये है, ऐसा ज्ञान को कहेंगे अपरा विद्या। धर्मा धर्म साधना तत्फल विषया, ननु आगे थोड़ा सा देख लो, ननु कस्मिन् विदिते सर्वविद् भवति इति शौनकेन पृष्टं तस्मिन् वक्तव्ये अपृष्टम् आह अंगिरा द्वे विद्ये इत्यादि। देखो पहले क्या पूछा था तीसरे मंत्र में, कस्मिन् भगो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, ऐसा कहा, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको जान लेने पर सारा जगत का ज्ञान हो जाएगा, ऐसा पूछा था। जैसे एक मिट्टी को जान लेने पर मिट्टी से बने हुए सब घट का ज्ञान हो जाता, होता कि नहीं होता है, सबको परीक्षा करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे दृष्टांत देते हैं, जैसे चावल पकाते हैं ना, चावल पतीले में चावल पकाते हैं, एक चावल को ऐसे पकड़ लो उंगली से दबा दो, उसे क्या सिद्ध हो जाता है, सब पक गए, ये वेदांत है ना, बस एक को ही पका दो, बस बात खत्म। एक का निश्चय कर लो तो सारे जगत का निश्चय हो जाएगा। ये बुद्धिमान व्यक्ति है ना, बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो, हाँ नहीं तो उसी पर करना हो, जैसे माँ बोल दिया बच्चे को कि बेटा मैं नहाने जा रहा हूँ गंगा जी, है कि नहीं, आज दूध रखा है, दूध दही रखी है नहीं, आ कौवा आएगा तो भगाना कौवा को, ठीक है, और बिल्ली आ गई तो, देख बिल्ली का नाम तो नहीं लिया है, बिल्ली आएगी तो भगाएगा नहीं भगाएगा, नहीं बोल रहे हो तो। बिल्ली यदि आएगी दही खाने के लिए, माँ ने क्या बोला, कौवा आएगा तो कौवा को भगाना, अरे बिल्ली आएगी तो नहीं भगाएगा, क्या बोल रहे हो, बोलो तुम बोल रहे तो नहीं भगाएगा, नहीं भगाएगा फिर। इसलिए एक कह दिया तो हो गया, बस ईश्वर एक का परीक्षण कर लो, बस सबका परीक्षण हो जाता है कि नहीं, ऐसा पूछा था। ऐसी कौन सी वस्तु हो जगत का जो उपादान है उसको जान लेने पर सारा जगत का ज्ञान हो जाएगा, ऐसा पूछा था। हाँ उसी प्रकार उत्तर देना चाहिए ना, हाँ भाई यही चीज़ है, उसको जानने से सबका ज्ञान हो जाएगा। और ये दुनिया भर का क्यों बता रहे हो, दो प्रकार विद्या को कहनी जाननी चाहिए, परा विद्या अपरा विद्या, सीधा कह दो कि इसको जानने पर सबका ज्ञान हो जाता है, इतना कहो, ये बोल देगा, ठीक है। ननु कस्मिन् विदिते सर्वविद् भवति, हाँ कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको जान लेने पर सर्वविद् भवति, सबको जानने वाला हो जाता है ज्ञानी, नहीं ऐसा शौनक ने कहा था, शौनक ने पूछा था तस्मिन् वक्तव्ये, जैसा पूछा था ऐसा उत्तर देना चाहिए कि दूसरा देना चाहिए, ऐसे ही देना चाहिए। अपृष्टम आह, जो नहीं पूछा था उसी का आप कह रहे हो, कहानी सुना रहे हो, हाँ अपृष्टम, जो पूछा नहीं गया था और वही आप कह रहे हो, किसने कहा, अंगिरा ने, अंगिरा द्वे विद्ये इत्यादि, दो विद्या आपको जाननी चाहिए, ये तो ठीक नहीं लग रहा है, पूछा कुछ और उत्तर कुछ दूसरा हो रहा है, नहीं तो इसका उत्तर क्या दे रहे हैं, अरे तुमको ऐसा लग रहा है लेकिन है ही नहीं, जैसा पूछा गया था ऐसे ही उत्तर दिया जा रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है
आचार्य के अभिप्राय को ना समझने से ऐसा लगता है ना सुनने वाले को। हमने पूछा अरे गुरु जी क्या उत्तर दे रहे, बहुत जगह पर ऐसे ही होता है वेदांत में, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, लोग शंका करते हैं पुराण में इतनी कथा कहानी कई के लिए, कथा कहानी इतना काय को है ऐसे बोलते ना। ठीक है लेकिन नहीं समझ पाएंगे ना। जैसे ब्रह्म ज्ञान जिसको हो गया हाँ, तो शब्द शब्द तो अद्वैत हो गया ना, फिर जो है वो कर्म करने की क्या जरूरत है ज्ञानी को, उपासना करने की क्या जरूरत है। लोग शंका करते हैं ना, अरे नहीं करेगा आचार्य तो लोगों में शंका नहीं बनेगी, लोग शिक्षा के लिए करना पड़ेगा ना कि नहीं करना पड़ेगा, क्या कहना चाहते हो। हाँ ऐसा होता है। अच्छा नैसा दोषः क्या हो गया तेरे को है? नहीं नहीं वो उनका कुछ दूसरा है, वो कुछ इलाज करने जा रहा है, आप लोग नहीं समझोगे। नैसा दोषः किसी प्रकार का दोष नहीं है। ठीक है, क्रमापेक्षत्वात् प्रतिवचनस्य है, देखो ये जो उत्तर देना होता है ना उत्तर क्रम से देना पड़ता है। क्या हाँ, कोई मान लीजिए दसवीं क्लास का पूछा प्रश्न है कि नहीं, तो उत्तर देना है उसका उत्तर देना है, लेकिन वो कठिन प्रश्न है तो पहले कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, प्रथम क्लास से शुरू करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। क्रम से देंगे तो उनको सुगम हो जाएगा दसवीं क्लास का, होगा कि नहीं होगा, ये प्रक्रिया होती है। इसलिए क्रम है, पहले अपरा विद्या को समझो, क्यों खुला कर दिया बंद कर दो, पहले अपरा विद्या को समझो फिर परा विद्या को समझो। इसलिए क्रम अपेक्षत्वात् प्रतिवचनस्य, उत्तर जो दिया जाता है उसमें क्रम की अपेक्षा होती है। ठीक है, क्रम अपेक्षत्वात् प्रति बंद कर दो, क्रम अपेक्षत्वात् प्रतिवचनस्य। अपरा है विद्या अविद्या सा निराकर्तव्य, ये देखो नारायण जो अपरा विद्या है ना वो अविद्या है, ये संसार का ज्ञान वो अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है, वो समझ में गए। जो ज्ञान अज्ञान को निवृत्त कर दे वही ज्ञान है, बाकी सब कैसे है अज्ञान है। इसलिए अपरा विद्या जो संसार का ज्ञान है वो तो अविद्या ही है, इसलिए अविद्या को निराकरण करनी चाहिए। अविद्या सा निराकर्तव्य तद विषय ही विदिते, और अपरा विद्या का जो विषय है ना संसार है, वो संसार को जानने पर कुछ मिलेगा हाथ में, कुछ आएगा कुछ हुँ? संसार जब मिथ्या ही तो हाथ में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, वो तो कोई तत्व तो है नहीं संसार में, ये बोलते हैं। देखो न किंचित तत्व तो विदितम स्याद, ये अपरा विद्या का जो विषय संसार, ये संसार में कोई तत्व तो है ही नहीं, कोई तत्व नहीं जाए, बाकी जितने भी सिद्धांत है ना वेदांत से अतिरिक्त जितने भी सिद्धांत है उससे कोई वास्तविक तत्व तो है ही नहीं उसमें, है कुछ? सांख्य पढ़ लो, योग पढ़ लो, सब पढ़ लो, न्याय पढ़ लो, कर्मकांड पढ़ लो, योग पढ़ लो, सब संसार का ही विचार है, हैं? अद्वैत वस्तु का कोई विचार तो है ही नहीं, सत्य का तो कोई विचार है ही नहीं, समझ में। इसलिए कह रहे हैं भाष्यकर भगवान कि न किंचित तत्व तो विदितम स्याद, बाकी जितने भी संसार का ज्ञान है उसे तत्व का ज्ञान नहीं होता, उससे किसका ज्ञान होता है? संसार का ज्ञान होता है, मिथ्या का ज्ञान होता है, सत्य का ज्ञान तो होता नहीं। इसलिए क्या हुआ, निराकृत्य ही पूर्व पक्षम पश्चात सिद्धांतो वक्तव्यो भवति इति न्यायात, ये तात्पर्य हुआ। इसलिए सबसे पहले जो पूर्व पक्ष है ना अपरा विद्या, उसको जान करके निराकरण करोगे, जानोगे तब तो निराकरण करोगे। ये निराकृत्य पश्चात बाद में सिद्धांत वक्तव्य, सिद्धांत क्या है परा विद्या, सिद्धांत क्या है ब्रह्म का ज्ञान है ना, वो बाद में कहना पड़ता है। ठीक है, ये क्रम से पढ़ना पड़ता है,
इसलिए हम बार बार कहते हैं ना, पहले अपरा विद्या का अध्ययन करो, फिर बाद में परा विद्या का अध्ययन करो। और क्या है? हाँ वही तो कह रहा हूँ। ठीक है, इसलिए लोग क्या करते हैं फिर, जो है वो वेदांत का अधिकारी नहीं है तो वेदांत का अध्ययन पहले कर लेंगे तो कहाँ से होगा, नहीं होगा ना। बात समझ में? चलो आगे बढ़े। पंचम मंत्र देखो, तत्रापरा बोलो, ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम् निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति अथ परा यया तत् अक्षरम् अधिगम्यते यया तत् अक्षरम् अधिगम्यते बोलो यया अक्षरम अधिगम्यते। तत्रम दोनों दोनों में से पराविद्या अपराविद्या में से अपराविद्या का नाम क्या है सुन लो। ये चार वेद हो गया, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, चार वेद हो गया। और चार वेदों में छह अंग है, वेदांग बोलते हो जी। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, ये छह अंग होते हैं। ठीक है, ये सब के सब क्या है, ये अपरा विद्या है। ये सब क्या है, इसमें सब आ गया। ठीक है, हाँ वेद को छोड़ कर क्या, वेद को सब आ गया इसमें। हाँ वेद है, वेद के अंग सब, ये अपरा विद्या है, ये पराविद्या नहीं है। ठीक है, हाँ इसमें सारा संसार का ज्ञान आ गया, न्याय है, वैशेषिक है, व्याकरण है, दुनिया भर का जितने भी है सब, व्याकरण तो आ गया यहाँ पर, न्याय वगैरह जितने भी सब के सब क्या है, ये सब अपराविद्या है। समझ में आएगा नहीं, ये पराविद्या में नहीं आएगा। ठीक है ना, कर्म है, उपासना है, ये भी सब क्या है, अपराविद्या। कुछ समझ? हाँ, ये वेदांत का जो शब्द है ना, वो भी अपराविद्या है, वो भी पराविद्या नहीं है जी। जो आप सुन रहे हो ना, हाँ ये शब्द जो सुन रहे हैं, तत्त्वमसि आपने सुना, ये भी अपराविद्या है, पराविद्या नहीं है वो। उसे जो ज्ञान जो होगा वो पराविद्या है, शब्द नहीं, शब्द पराविद्या नहीं है, है ना। उससे ज्ञान हो जाता है इसलिए उसको पराविद्या बोल देते हैं, लेकिन है तो वो भी अपराविद्या है। कौन? शब्द जो वेदांत जो सुन रहे हो शब्द, वो भी अपराविद्या में आएगा, वो भी पराविद्या नहीं है। शब्द से अज्ञान जाएगा क्या? वेदांत का जो शब्द है मैं ब्रह्म हूँ, तो उसे क्या होगा, बोलते जाओ मैं ब्रह्म हूँ तो क्या होगा, उसे अज्ञान जाएगा उससे, बोलो ज्ञान से ना जाएगा, शब्द से थोड़ी जाएगा वो। इसलिए जितने भी शब्द है वो सब अपराविद्या, वो पराविद्या में नहीं आएगा। बस समय कि नहीं। चलो आगे। तो इसका मतलब जो ब्रह्माकार व्यक्ति रूपी जो अनुभवात्मक ज्ञान है, हाँ हाँ वो पराविद्या, यही तो कह रहे हैं। आगे देखो, अथ परा, परा क्या है, यया तत् अक्षरम अधिगम्यते। जिस विद्या के द्वारा जो अक्षर, जो अक्षर कौन हो गया, ब्रह्म, अक्षर कौन हो गया, ब्रह्म है ना, वो ब्रह्म की प्राप्ति होती है जिससे, जिस ज्ञान से, शब्द से ब्रह्म की प्राप्ति होगी, वेदांत शब्द से भी होगी, नहीं होगी। वेदांत शब्द से हो जाए तो फिर ज्ञान की क्या आवश्यकता फिर जी। हाँ बोल दिया मैं ब्रह्म हूँ तो ब्रह्म की प्राप्ति हो गई तब तो। सिखा दिया कि ब्रह्म, आम ब्रह्मा सिंह बोलो, हाँ गुरु जी बोलो, तीन बार बोलो, जाओ ब्रह्म प्राप्त हो गया, ऐसा होगा क्या? बोलो हो जाएगा ब्रह्म प्राप्त, तत्त्वमसि सुना दिया तीन बार, जाओ तुमको मंत्र दे दिया, हो गया ब्रह्म प्राप्त, हो गया ऐसे। ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है,
चित्ते में जो ब्रह्माकार वृत्ति होगी, उस वृत्ति में जो ब्रह्म अभिव्यक्त होगा, है कि नहीं? क्या होगा? वृत्ति में जो आरूढ़ जो चैतन्य है वो है ज्ञान, वो पराग पराविद्या है, उससे अज्ञान की निवृत्ति होगी। अज्ञान की निवृत्ति होने से तो ब्रह्म तो प्राप्त है ही हो, ज्ञान से केवल अज्ञान को निवृत्त करना है। समझ में आया? कोई शास्त्र नहीं है पराविद्या शास्त्र नहीं है, पराविद्या ज्ञान है। चित्त में जो अंदर आपका ज्ञान उत्पन्न होगा वो पराविद्या है, वो शब्द नहीं। ठीक है, हो गया। देखो भाष्य है, तत्र का अपरा इति, तत्र का अपरा, दोनों में से भी अपरा विद्या क्या है? तो सब सुना दिया श्रुति ने, ऋग वेदो यजुर्वेद साम वेदो अथर वेद इति, ये थे चतुर वेदा, कितने वेद है? चार वेद है और छह अंग होते हैं, शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्तम छंदो ज्योतिषम इति अंगानि षडेषा अपरा विद्या, ये भी सब मिलाकर के अपरा विद्या हो गए। वही शिक्षा क्या है, सब टिप्पणी में दे रखा है। शिक्षा मतलब क्या होता है, जैसे उच्चारण का ज्ञान होता है ना, अ कैसे बोलना है, ई कैसे बोलना है, कोई के अ को भी क्या बोलता है, आ, ऐसे थोड़ी होगा, फिर आ को फिर क्या बोलोगे, अ को यदि आ बोलोगे तो आ को क्या बोलोगे, फिर ई बोलोगे। जिस वर्ण का उच्चारण जैसे करना है ऐसे ही करना है, बोलो। हाँ, इसलिए मैं कई बार बोल देता हूँ, कोई नाराज ना हो। जैसे मान लीजिए कृष्णा है कि कृष्णा है, क्या है? कृष्णा। क के बाद क्या है? हाँ, र के बाद ई, ऐसा भी नहीं है, रे मूर्धा में होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन बहुत जाकर क्या बोलते हैं, कृष्णा नहीं बोलते हैं, कृष्णा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो फिर कृष्णा है तो जहाँ पर ऊ है, पर उसको क्या बोलोगे, फिर दोनों समान करोगे, बोलो। जहाँ पर क र ऊ है, फिर उसको फिर क्या बोलोगे, उसको भी वही बोलोगे। कृष्णा को यदि कृष्णा बोलोगे तो कृष्णा को क्या बोलोगे फिर? उसको भी वही बोलोगे, बोलो। इसलिए जो वर्ण का उच्चारण जैसे करना है ऐसे ही तो करना होगा ना, यही है, ये शिक्षा में सीखा जाता है, बोलो। हाँ, क्रे मूर्धा में होता है, क्रु तो ऊ में आ गया, हाँ क्रु भी नहीं बोलना है, है ई भी नहीं बोलना है, ई भी नहीं है, ऊ भी नहीं है, क्रे क्रे ऐसे बोलना होता है, मूर्धा में होता है, रेशुषणम मूर्धा। बात समझ में कि नहीं? हाँ, इसी बगैर त और थ, त का उच्चारण अल्प प्राण में होगा और थ का उच्चारण महाप्राण, अधिक प्राण लगेगा, होगा कि नहीं होगा, है ना, बोलो, है ना। इसी प्रकार जैसे से देखो ब्रह्मानंद, क्या बोलोगे, ह पहले कि म पहले कि म, लेकिन बहुत जगह ब्रह्मा म को पहले बोल देते हैं, तो पहले म है कि पहले ह है, बोलिए। हैं, पहले ह होता है बाद में म होता है, इस बगैर ह का प्राण महाप्राण है, म का प्राण अल्प प्राण है, ब्रह्मा ब्रह्मा ऐसे बोलना पड़ता है, ब्रह्मा नहीं है, म पहले नहीं है कि नहीं? ठीक है, इसलिए ये शिक्षा हो ग्रंथ में होता है, किस वर्ण का उच्चारण कैसे करना है। ठीक है, अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं अलग बात है, लेकिन संस्कृत में तो जैसा वर्ण का उच्चारण करना है ऐसे ही करना पड़ता है। ठीक है, आगे चलो भगवान, ये शिक्षा है। और कल्प क्या होता है, कल्प में किस कौन सा कर्म के बाद कौन सा कर्म करना है, ये निरूपण होता है, कर्मों के क्रम का निरूपण है ना, अभिषेक करना है भाई, पहले क्या चढ़ाना है महादेव को, है कि नहीं, है ना, ये सब नियम होता है कि नहीं? ठीक है, पर सब स्नान पान कर दिया और जो है वो भोग लगा दिया, बाद में फिर भस्म लगा रहे, ऐसा होगा क्या?
अरे भस्म कभी तो लगाना है, जब भोग लगाने के बाद लगाओ चाहे पहले लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा होता है क्या? जगह पर भी बाद में चढ़ाना है, आरती के बाद जगह पर भी चढ़ा दो, नहीं हुआ ऐसा? हाँ, कोई मान लीजिए अतिथि आएगा तो पहले क्या करोगे? पहले पा हाँ चरण प्रक्षालन करना पड़ेगा, ये नियम है कि नहीं? बोले हाँ सब, फिर भोजन वगैरह कराने के बाद फिर पाद प्रक्षालन करो, ऐसा करना है? बोलो हाँ, बहुत जाएगा और भोजन करा देंगे बाद में आकर चंदन लगाएंगे, हैं? भोजन पहले करा दो साधु को, बाद में फिर क्या लगाओ? चंदन लगाओ, ऐसा है क्या? पहले पाद प्रक्षालन करो, पूजन करो, क्यों भाई? हैं, जो भी करना है आशीर्वाद ले लो, फिर क्या करो? फिर भिक्षा कराओ उसको, भिक्षा कराने के बाद फिर कुछ जो है कुछ दो शब्द उससे ये ले लो, ज्ञान ले लो, आत्मज्ञान ले लो, जो भी है शिक्षा, है कि नहीं? जो आपको प्रश्न पूछना, ये परंपरा होती है, ठीक है? तो इसको कहते हैं कल्प। क्या कहते हैं? कल्प में क्या होता है? कर्मों के क्रम का निरूपण होता है, ठीक है? कल्प के बाद क्या है बताओ? कल्प के बाद हाँ कल व्याकरण तो जानते हो, शब्द ज्ञान होगा। निरुक्त, निरुक्त मतलब क्या है? यहाँ पर वैदिक कोश है ना, तो वैदिक शब्दों का ज्ञान होता है। और छंद है, छंद जानते हो, गायत्री छंद, जगती छंद, अनुष्टुप छंद, छंदों का ज्ञान भी होना चाहिए। छंदों का ज्ञान न हो तो उच्चारण कैसे करोगे? छंद भंग हो जाएगा ना। हाँ, उसमें भी ज्ञान होता है, कहाँ पर रुकना है आपको, क्या कहाँ पर रुकना है। हाँ, जति बोलते हैं इसको, विश्रांति, विराम बोलते हैं ना, इसलिए कितना वर्ण होने के बाद रुकना है। महिम न पारम ते, रुकना पड़ेगा वहाँ पर, धड़ाधड़ ऐसे नहीं कि गाड़ी चलाते रहो। महिम न पारम ते के बाद क्या करना है? रुकना पड़ता है। इसी पर अनुष्टुप छंद में देखो, ऊर्ध मूला मद आगे क्या बोलो? पूरा बोलो। ऊर्ध मूला हाँ, शाखा में रुकना पड़ेगा। अब वो जाएगा ऊपर क्या बोलते हैं? मकार बोल देते हैं, ऊर्ध मूला मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरम अव्ययम, ऐसे तोड़ करके बोल देते हैं, वो तो छंद भंग हो गया। छंद क्या हो गया? हम पर भंग हो गया, वो परंपरा नहीं है वो। हाँ, व्याख्यान करते समय विचित करके बोल सकते हो, लेकिन पाठ करते समय बोलेंगे तो क्या होगा? छंद का भंग हो जाएगा, दोष हो गया, वो परंपरा नहीं है वो, ठीक है? छंद, ये छंद होता है। ज्योतिषम, ज्योतिष में क्या होता है? काल का निरूपण होगा, किस काल में कौन सा कर्म करना है, कि नहीं? ये काल ज्योतिष से होगा, ये सब अपरा विद्या है, ठीक है? ज्योतिषम अथ इदानीम यम अपरा, यम परा विद्या उच्यते। अथ का मतलब अभी, अथ परा का है ना भाष्य में, अथ का अर्थ क्या होगा? इदानीम। यम परा विद्या, ये परा विद्या है नारायण, जया तदक्षरम अधिगम्यते कहा, जिसके द्वारा ये वक्षमाण विशेषणम, अक्षर देखो, अक्षर के यहाँ पर ब्रह्म, ब्रह्म को कहते हैं अक्षर, न क्षरतीति अक्षर, जिसका नाश नहीं होता है अथवा जिसमें कोई नमक नहीं लगता है, क्षार बोलते हैं ना, क्षार, क्षार नहीं जानते हो, नमक, नमक जहाँ पर लग जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा? गला देगा वो। ये ब्रह्म में कोई नमक वगैरह कुछ लग नहीं सकता है, मतलब उसके साथ किसी का संबंध है नहीं, जिसमें किसी का संबंध नहीं है तो फिर बस अक्षर हुआ, वो हमेशा अविनाशी रहेगा वो, होता है कि नहीं? मुंबई में देखो तो कहीं लोहे में नमक लग जाता है कि नहीं, धीरे धीरे वो लोहा भी ख़त्म हो जाता है और क्या है, समुंदर का हवा लगता है ना, समुंदर का हवा लग जाता है कि नहीं, और दीवार भी सब ऐसी हो जाती है, लोहे वगैरह भी सब जंग लग जाता है, गाड़ी भी जल्दी ख़राब हो जाएगी। और मुंबई में क्या, सब जगह पे जहाँ पर समुंदर किनारे में, हाँ मुंबई में ज़्यादा लगता है, उसमें पैसा पैसा ज़्यादा है ना, उसमें ज़्यादा लगता है, इसलिए यहाँ पर तो जया तद अक्षरम अधिगम्यते। अक्षर का समझ में आया?
अविनाशी, अथवा अक्षर का और भी एक अर्थ होता है, अशुव्याप्त, तो जो सबको व्याप्त कर दे, उसको भी अक्षर बोलते हैं, है कि नहीं। हाँ जैसे दे अक्षर देखो बताता हूँ, चाहे राम लिखो राम, चाहे लिपि कैसे भी हो, लेकिन सर्वत्र वही शब्द होगा कि नहीं होगा। ये व्याकरण में शब्द को नित्य मानते हैं वो लोग, ये शब्द को अक्षर कहते हैं ना वो लोग, उसका नाश नहीं, सर्वत्र वही रहेगा, सबको व्याप्त करें, किसी लिपि कैसे भी हो, चाहे संस्कृत हो है कि नहीं, चाहे इंग्लिश लिखो, चाहे उर्दू लिखो, कैसे भी गुजराती लिखो, मराठी लिखो, लिपि अलग अलग होने पर भी शब्द तो वही रहेगा, बोलेंगे तो ऐसे ही कि अलग बोलेंगे, लिपि कुछ भी हो उच्चारण तो वही होगा कि नहीं होगा। इसलिए वहाँ पर शब्द क्या हो गया, अक्षर हो गया, जो सबको व्याप्त करे, सभी लिपि को जैसे शब्द व्याप्त करते, लिए शब्द हो गया अक्षर, हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार ब्रह्म सबको व्याप्त करता है, घट है पट है मट कहाँ पर है नहीं है, है अंश वो अक्षर हो गया, वो ब्रह्म है, वो सात अंश ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म को क्या कहते हैं, अक्षर, जिसका नाश ना हो उसको भी अक्षर कहते हैं, जो सबको व्याप्त कर दे उसका नाम भी अक्षर। ऐसा जो ब्रह्म है अक्षर, वो जिस ज्ञान से प्राप्त होता है, विद्या से, उसका नाम क्या है, पराविद्या। ठीक है, आगे का विचार कल। ओम पूर्णमदः पूर्णम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।